उदाहरण 5 प्रश्न। उस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और अंतः परिधियों की मापे क्रमशः 110 मीटर और 88 मीटर हैं। इस प्रश्न में वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या R1 मीटर ले लेते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर ले रहे हैं R1 मीटर और अंतःवृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं R2 मीटर। इन त्रिज्याओं का अंतर ही वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम बाह्य वृत्त की परिधि का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है बाह्य वृत्त की परिधि बराबर 110 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई R1 बराबर 110 मीटर। 2 गुणित पाई का मान ले लेते हैं 22/7 गुणित R1 बराबर 110। R1 बराबर हमें प्राप्त होगा 110 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22। अब यदि हम 11 के पहाड़े से इसे काटें तो 11 दुनी 22 और ये मिल जाएगा हमें 11 एकम 11 और 0 यानी कि 10 बार में ये कटेगा। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे 10 गुणित 7 बटे 2 गुणित 2 और हल कर लें तो हमें मिलेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी कि हमें प्राप्त हो रहा है 35/2 जिसका मान हमारे पास होगा 17.5 मीटर। अंतःवृत्त की परिधि भी हमें दी गई है। अंतःवृत्त की परिधि का मान है 88 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई R2 बराबर होगा 88, जहां पाई का मान रखने पर मिलेगा 2 गुणित 22/7 R2 बराबर 88। तो R2 का मान कितना होगा 88 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 या 22 से यदि काटें इसे हम तो यहां पर 22 के साथ 4 बार गुणा करने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं इसे 4 और फिर 2 के पहाड़े से काटने पर हमें पुनः मिलेगा 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 यानी हमें कितना प्राप्त हुआ है 2 गुणित 7 जिसका मान है 14 मीटर। बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई थी 17.5 मीटर और अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 मीटर। तो वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई बराबर होगा R1 - R2, जहां R1 का मान है 17.5 और R2 हमें प्राप्त हुआ था 14। इसका मतलब हमें वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई प्राप्त हुई 3.5 मीटर।